कुंती, आपने मुझे ये समाचार सुनाकर आनंदित कर दिया है। कुछ समय पूर्व मुझे कुछ ऋषियों ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें देवतुल्य पुत्र प्राप्त होंगे, किंतु मैं चिंतित था कि यह कार्य किस विधि संपन्न होगा। आपने मेरी यह चिंता दूर कर दी है। मैं आपका यह आभार जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगा। मेरा आपसे एक अनुरोध है, आप धर्मराज का आह्वान करें और उनसे पुत्र की कामना करें। मेरा पुत्र धर्मज्ञ होगा। आपकी जो आज्ञा महाराज। एकांत स्थान में जाकर आंखें बंद करके एक पेड़ के नीचे ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए वशीकरण मंत्र का उच्चारण करती है। आकाश में एक दिव्य प्रकाश होता है और स्वयं धर्मराज प्रकट होते हैं। उनके तेज से कुंती की आंखें खुलती हैं। धर्मराज कुंती से वर मांगने को कहते हैं। पांडु वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की कामना करती है जो धर्म और नीति में कुशल हो। धर्मराज कुंती के वचनों से प्रसन्न होकर उनकी कामना पूर्ण करते हैं और धर्मराज अपनी दिव्य शक्ति से कुंती को एक दिव्य बालक प्रदान करते हैं और कहते हैं कि बालक पांडु वंश को एक नवीन कीर्ति प्रदान करें। देखिए महाराज कितना प्यारा बालक है। कुंती, आपने हमारा वर्षों का स्वप्न पूरा कर दिया। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। बहुत ही सुंदर बालक दिया है आपने हमें। आज हम संसार के सबसे प्रसन्न व्यक्तियों में एक हैं। जी महाराज।
महाराज, ये सिंह की दहाड़ है। आप लोग भयभीत ना हो। यदि ये यहां आया तो अपने प्राणों की आहुति देगा। आप डरिए मत, आपने यहां हिंसक पशु किसी भी समय आ सकते हैं। हमें सदैव अपनी सुरक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। अब आप लोग भी विश्राम कीजिए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, यदि अधिक पीड़ा हो रही है तो हम वन में जाकर कुछ जड़ी बूटियां ले आए। नहीं कुंती, ये तो अल्प समय की पीड़ा है, कुछ समय के उपरांत ठीक हो जाएगी। आपको तो हमारे स्वास्थ्य का पता ही है। मैं बाल्यावस्था से ही कितना दुर्बल रहा हूं, परंतु अब मेरी एक इच्छा है, हमारे एक ऐसा बालक पैदा हो जो इतना बलशाली हो कि उसके सामने कोई योद्धा टिक न सके। परंतु ये कैसे संभव है महाराज? संभव है। समस्त देवताओं में सबसे बलशाली देव हैं पवन देव। यदि आप पवन देव का आवाहन करें तो यह संभव है। मैं भी पवन देव को प्रसन्न करने के लिए तप करूंगा। जो आज्ञा महाराज। आप दिन प्रतिदिन मुझे अपने ऋण से ऋणी कर रही हैं। पता नहीं मैं आपके ऋण से उऋण हो भी पाऊंगा या नहीं। महाराज, ये सर्वस्व आपका ही तो है और आपकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। धर भीम के समक्ष कोई दुष्ट आ सकता नहीं। सहस्र गज बल बराबर बच के जा सकता नहीं। सिंधु के सदृश महाबली